नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक क्रांति के बारे में जो निकली तो अरब से, ईरान से, अफगानिस्तान से, पर उस क्रांति ने पूरे यूरोप और भारत को अपनी चपेट में ले लिया। आखिर वो क्रांति है क्या और उस क्रांति का इस्लाम से क्या रिश्ता है, वो सारा कुछ हम बताएंगे। ये भी बताएं कि अभी उसकी चर्चा जोर शोर से क्यों शुरू हो गई है, ये सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, ईरान के एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, नाम है मौलाना अबोल घासिम दौलाबी। मौलाना अबोल घासिम दौलाबी ने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में 75,000 मस्जिदें हैं, उनमें से 50,000 मस्जिदें बंद होने के कगार पे हैं, और वो बंद इसलिए हो रही है कि नमाजी वहां नहीं आ रहे हैं। ये दौलाबी साहब हैं, इनको कोई ऐसा छोटा मोटा मौलाना मान के निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उस समिति के सदस्य हैं जो ईरान के सुप्रीम कमांडर की नियुक्ति करती है। यानी अगर 4-5 लोग जो ईरान के सुप्रीम कमांडर को चुनती है, उसमें से ये दौलाबी साहब भी हैं। अब इनका ये कहना है कि देश में 75,000 मस्जिदों में से 50,000 मस्जिदें बंद होने के कगार पे है, लोग इस्लाम में रुचि नहीं ले रहे हैं, नमाजी मस्जिदों में आ नहीं रहे हैं, और यही अगर हालत रही तो ईरान से इस्लाम मिट जाएगा हमेशा के लिए। उन्होंने कुछ और बातें कही है जो बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि कुछ सालों पहले ईरान में एक मूवमेंट शुरू हुआ था, हिजाब मूवमेंट। उसमें हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं भी उतरी थी, पुरुष भी उतरे थे, और सड़कों पर उतरकर उन्होंने हिजाब को उतार कर फेंक दिया था। कहा था कि हिजाब हमें कबूल नहीं है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। इसी तरह उसी ईरान में एक और मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें कहा गया, उसका नाम रखा गया एक्स मुस्लिम मूवमेंट। ये बात है 2005 की। 2005 में सबसे पहले ईरान में एक्स मुस्लिम मूवमेंट की नींव पड़ी और अफगानिस्तान के कुछ लोग भी उसमें शामिल हुए। 2005 में शुरू हुआ ये मूवमेंट 2007 में यूरोप के इंग्लैंड में पहुंचा, और इंग्लैंड में 2007 में पहली बार एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन नाम की संस्था बनी। एक साल के अंदर एक्स मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटेन, एक्स मुस्लिम्स ऑफ नीदरलैंड, एक्स मुस्लिम ऑफ फ्रांस और एक मुस्लिम्स ऑफ स्वीडन, ये संस्था को वहां रजिस्टर्ड कराया गया। और आज की तारीख में 500 ऐसी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं जिन्हें एक्स मुस्लिम्स के साथ जोड़ा जा रहा है, और बहुत सारे सदस्य हैं उसके, और सदस्यों की संख्या दिन रात बढ़ती चली जा रही है। तो शुरू हुआ था ये मूवमेंट ईरान से, अफगानिस्तान और उसके बाद यूरोप पहुंचा। ईरान में जब ये शुरू हुआ और अफगानिस्तान में, तब कहा गया कि ये कम्युनिस्ट लोग हैं और कम्युनिस्ट मूवमेंट से प्रेरित है, ये धर्म उनको नहीं मानते, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया जाए। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार इसका होने लगा, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां से बहुत सारे लोग जब एक्स मुस्लिम्स करके संगठन बनाने लगे, उन्होंने कई यूट्यूब चैनल्स बनाए, और हर देश में ऐसे दर्जनों यूट्यूब चैनल्स हैं जो एक्स मुस्लिम संगठन के लोग चला रहे हैं, और इसमें वो कई तरह की बातें करते हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन अब वही एक्स मुस्लिम मूवमेंट भारत पहुंच चुका है। 2021 में केरला में एक साहब थे, डॉक्टर आरिफ हुसैन थिरुवत। डॉक्टर आरिफ हुसैन थिरुवत ने एक्स मुस्लिम्स ऑफ केरला नाम का एक संगठन बनाया और रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए। आज यानी 2021 से 2023 के बीच 2 सालों में उस संस्था के 21,000 सदस्य हैं और रजिस्टर्ड करवाया हुआ है 21,000 सदस्यों ने। भारत में भी दर्जनों ऐसे लोग हैं जो एक्स मुस्लिम्स ग्रुप के मेंबर हैं और वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ये तो होगी मूवमेंट की बात, लेकिन जानना दिलचस्प हुआ कि वो चाहते क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। दरअसल 5-7 पॉइंट एजेंडा है उनका, जिसको आमतौर पे यूट्यूबर भी बता रहे हैं, वो फ्रांस में भी बता रहे हैं, इंग्लैंड में भी बता रहे हैं, ईरान में भी बता रहे हैं और भारत में भी बता रहे हैं। उन बिंदुओं को समझिए ताकि ये पता चले कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। उनका पहला है कि कट्टरता और कुरान, इन दोनों से हमें अलग होना होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस्लाम से अलग नहीं होना है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कुरान में
जो कट्टर बनाती है इंसान को, उस पे चैलेंज होना चाहिए, उस पे विमर्श होना चाहिए, उस पे बातचीत होनी चाहिए। उनका दूसरा पॉइंट है कि किसी भी धर्म या मजहब को किसी ऊपर वाले ने नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने ही बनाया है। वो इस्लाम को चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि इस्लाम को भी किसी इंसान ने ही बनाया है और कहीं वो ऊपर से नहीं आया। और कुरान के बारे में भी वो यही कहते हैं कि कोई भी किताब आसमान से नहीं टपक सकती, हर किताब को किसी न किसी इंसान ने ही लिखा होगा। तीसरा पॉइंट है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। उनका कहना है कि अगर धर्म या मजहब या कोई किसी की वजह से अगर किसी इंसान को दुख पहुंच रहा है, उसे पीड़ा पहुंच रही है, उसको ज़िंदगी जीने में आसानी नहीं हो रही है, वो किसी मुश्किल हालात में है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। बुर्का मूवमेंट और हिजाब मूवमेंट इन्हीं लोगों के द्वारा शुरुआत किया गया था, बाद में बहुत सारे लोग जुड़े। इनका ये कहना था कि महिलाओं को परेशानी होती है, कई तरह के तर्क दिए गए हैं। कहा जाता था कि ईरान में गर्मी में जब पारा 40 डिग्री से ऊपर हो, उस वक्त धूप में काले लिबास में हमें ऊपर से नीचे तक अगर किसी औरत को घूमने कह दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए इसमें थोड़ी सी सहूलियत मिलनी चाहिए, व्यवहारिकता इसमें होनी चाहिए। और इस बात को लेकर उनका एक जोर है। एक उनका और पॉइंट है जो कि भारत के मुसलमान भी कहते हैं और बाहर वाले भी, एक मुस्लिम संगठन के, कि कुरान को तर्जुमा के आधार पर पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। ज्यों के त्यों रट्टा लगाने के पक्ष में वो नहीं है। वो बोलते हैं कि जब भी आप कुरान में पढ़ें तो उसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन जरूर करें अपने भाषा में, जिसमें आप समझते हैं और उसके मतलब को समझें और दूसरों को भी बताएं। ये तो हो गए 4-5 पॉइंट। एक भारत के में जो एक्स मुस्लिम संगठन के लोग हैं, डॉक्टर आरिफ हुसैन साहब, जिनके बारे में मैंने बताया, आरिफ हुसैन थिरुवत, उनका कहना है कि भारत के मुसलमानों को अरबी जहन से मुक्ति पानी होगी। उनका कहना है कि अरब के जो लोग हैं वो अरब की संस्कृति, वहाँ के जो क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं, वहाँ के खान पान से बंधे हुए हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों को अरबी जहन की जो जहालत है उससे मुक्ति पानी होगी। कुछ उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अरब में पानी की कमी थी, वहाँ वजू करने का सिस्टम शुरू हुआ। भारत में पानी की कमी नहीं है, क्यों ना हम अच्छे से नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर अपना पूजा पाठ या फिर हम जो भी नमाज वगैरह पढ़ें। उनका कहना था कि अरब में धूल भरी आंधियां चलती थी तो आंखों को ढकना जरूरी था, सर को ढकना जरूरी था, क्या ये जरूरी है कि भारत में जो कई मौसमों का देश है, यहाँ खुशनुमा मौसम है, यहाँ भी वो किया जाए? खान पान लिबास इन सबको क्या हम ज्यों का त्यों लेना चाहिए या भारत के अनुसार उसमें परिवर्तन करना चाहिए? तो ये एक्स मुस्लिम्स ऑफ जो भारत जो संगठन चलाते हैं, उन लोगों की ये बात है। उनका कहना है कि इस्लाम के सारे चीज़ों के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों के खिलाफ किसी न किसी को आवाज़ उठानी होगी। हमें वहाँ वो आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हमने एक्स मुस्लिम्स नाम से अलग अलग संगठन बनाया है। भारत में जो केरल से शुरू हुआ संगठन, उसमें सदस्यों की संख्या 21,000 है, मैंने बताया। यूरोप में अब तक जो वहाँ के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके अनुसार 7,00,000 लोग ब्रिटेन में एक्स मुस्लिम संगठन से जुड़ चुके हैं और ऐसी कुछ संख्या अलग अलग देशों में है। हमारा आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि क्या जो मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं, क्या समाज में उस पर बहस की गुंजाइश है, क्या विमर्श हो सकता है, क्या भारत में उस पर विमर्श की गुंजाइश है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।